जिला कांग्रेस द्वारा शनिवार को शहर में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जो शहर के प्रमुख मार्गों से निकली। इस अवसर पर कांग्रेस जनों ने महात्मा गांधी व बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। 20 मार्च को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र दे दिया था। इसको लेकर कांग्रेस द्वारा 20 मार्च का दिन लोकतंत्र सम्मान दिवस के रूप में मनाया गया। शनिवार को दोपहर 1 बजे कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन से लोकतंत्र सम्मान के दिवस के रूप में एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा में सबसे आगे सेवादल के कार्यकर्ता हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लेकर चल रहे थे। कांग्रेस जन दो लाइन में क्रमबद्ध होकर चल रहे थे। जिला कांग्रेस अध्यक्ष अजित काठेड़ के मार्गदर्शन में आयोजित इस रैली में अनुशासन नजर आया। रैली गांधी भवन से प्रारंभ होकर गांधी वाटिका पहुंची, जहां तिरंगा यात्रा के प्रभारी राकेश झालानी व जिला कांग्रेस अध्यक्ष अजित काठेड़ ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। यहां से पैदल तिरंगा यात्रा विजय टॉकीज से होते हुए टैगोर मार्ग, पुस्तक बाजार सहित प्रमुख मार्गों से होती हुई शोरूम चौराहा पहुंची, जहां संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया और संविधान का वाचन किया गया। उसके बाद तिरंगा यात्रा का समापन हुआ। यात्रा में बीजेपी को हटाना है, लोकतंत्र को बचाना है आदि कई ऐसी स्लोगन लिखी तख्तियां हाथों में पकड़ कांग्रेसी पैदल चल रहे थे। नियम तो सभी लोग पालन कर रहे हैं। जिलाधीश महोदय को इजाजत के लिए, आज्ञा के लिए आवेदन पत्र भी हमारे जिलाध्यक्ष महोदय ने दिया है। महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता के माल्यार्पण हुआ है। कांग्रेस एकता के साथ संगठित होकर अपने संघर्ष के पथ पर जनसेवा के लिए आगे चल रही है। और हम एक है, कहते हैं कि दर्पण को देखने तो अनेक आते हैं, लेकिन जब दर्पण टूट जाता है तो लोग उससे दूर जाते हैं। तो हम उस दर्पण को टूटने नहीं देंगे, एकता के साथ चलेंगे और आपके साथ आगे सफलता भी प्राप्त करेंगे। जिस सरकार को पैसे और दमखम से हटाया गया था, आज वही कार्यकर्ता फिर वापस जनता के सामने संदेश दे रहे हैं और कांग्रेस की सरकार फिर आएगी और महंगाई भगाई जाएगी। कोरोना के बहाने जनता को जो त्रस्त किया जा रहा है वो नाटक भी बंद किया जाएगा। खरीद फरोख्त में कालाबाजारी और ब्लैक मार्केटिंग और माफिया के नाम पर चंद लोगों को टारगेट बनाया जा रहा है। और पिछले दरवाजे से नोटों के लिफाफे और बंडल किस तरीके से भोपाल में उसी मशीन पर पहुंचाया जा रहा है जो मशीनें पहले बदनाम हो चुकी नोट गिनने के लिए। तिरंगा हमारे मन में बसता है, राष्ट्र का ध्वज तिरंगा है, राष्ट्रीय ध्वज का अपमान न हो इसलिए चक्र साथ में एक ही झंडे में है, बाकी सब सादे तिरंगे प्रतीक के स्वरूप हो और यह तिरंगा यात्रा है। इस अवसर पर सत्यनारायण पाटीदार, उमराव सिंह गुर्जर, राजकुमार अहिर, ओम दीवान, अनिल चौरसिया, ब्रजेश मित्तल, संजीव पगारिया, राकेश अहिर, गजेंद्र यादव, मनोहर अंब, आशा सांभर, तरुण बाहेती, विनोद दक, मुकेश बाजखेड़िया, मनोहर अंब, भूपेंद्र बोहरा बाबा, महेश संगई, दीपक चौधरी, मुकेश कालरा, हरगोविंद दीवान, महेश यादव, मनीष कदम, रोहित खेर, सोनू यादव, योगेश प्रजापति, मोनू लोक्स, ओम शर्मा, चेतना लालका, मीना घनेटवाल, अनिता राठौर, इकबाल कुरैशी, अशोक पाटीदार, भूपेंद्र पाटीदार, साबिर मसूदी, जगदीश पुनर्जग्गा, संजय पवार, विमल शर्मा, शराफत अली, हिदायतुल्ला खान, रवि दीवान सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस जन